हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और आयन का ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गया, तो ये दोनों अपने पापा के साथ बैठ के खेल रहा है। देखिए इनाय क्या क्या मुंह बना रही है। ये दिन भर कैमरा अगर ऑन है तो दिन भर ऐसे ही करती रहती है कैमरा के सामने। आज 2-3 बार धूप निकला है तो मैंने सोचा क्यों ना मनी प्लांट को थोड़ा सा धूप में रख देती हूँ। प्लांट को भी थोड़ा धूप मिलना चाहिए, और मतलब मनी प्लांट को मैं घर के अंदर ही रखती हूँ, जिसमें रखती हूँ वहाँ पर धूप अच्छे से पड़ता है। पर पता नहीं कुछ हफ्ते से, एक हफ्ते से मतलब मनी प्लांट में थोड़ा सा मुरझा से गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा धूप दिखा देती हूँ। बाकी प्लांट को तो मैं हर रोज़ धूप दिखा देती हूँ। ये एलोवेरा का प्लांट है, वहाँ पे भी है एलोवेरा प्लांट, और एक रोज़ का प्लांट है गुलाब का, और साथ में एक एलोवेरा का छोटा सा प्लांट है। और ये सब मैं घर के अंदर रखती हूँ। 2 एलोवेरा प्लांट है और साथ में ये मिर्ची का है, तो इन सब को मैं घर के अंदर रखती हूँ, बाकी घर के बाहर ही रहता है। और ये दोनों अभी भी बिजी है, अपने पापा के पीठ पर बैठ के खेल रहे हैं। अभी देखिए बाइक बना रहे हैं पापा को। तो यहाँ पे आयान और इनाय ने अपने पापा को बना लिया है बाइक। देखिए दोनों आज मैचिंग पहना है, रेड। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो मैं एक साइड में बनाऊंगी चिकन और एक साइड में दाल रख दूंगी। तो मैं दाल बनाने के टाइम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल देती हूँ, और कुकर के ढक्कन पे भी लगा देती हूँ, ताकि जब सीटी आए पूरा गैस या फिर किचन ख़राब ना हो। थोड़ा बहुत रहता है पर फिर भी चलता है, पर अगर आप तेल नहीं डालते हैं ना तो पूरा किचन ख़राब हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और इनाया को मैंने ऐसे ही बुलाया, बाहर खेल रही थी, तो आते ही देखिए मैडम पोज देने में रेडी है एकदम। आजकल के बच्चे भी ना, और आयन बाहर साइकिल चला रहा है। देखिए अभी भी कितना धूप है बाहर, और इनका काम स्टार्ट हो गया है तो ये काम पे बिजी है। इसको हर टाइम पोज देना है, हर टाइम कैमरा ऑन होते ही वो पोज के लिए रेडी होता है, इसमें कुछ पोज देते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों को बादाम ऑयल लगा दूँगी, जो ये बजाज आलमंड ऑयल आता है वही लगाती हूँ दोनों को, और हफ्ते में 2-3 बार लगा लेती हूँ। रात को लगा कर ऐसे रख देती हूँ और सुबह उठ के ही शैम्पू कर देती हूँ दोनों को। इसको भी चाहिए हाथ में, मम्मी मुझे भी दे दीजिए थोड़ा सा, पूरा गिरा देगी, देखिए छुपाना पड़ रहा है उससे।
यहाँ पे पापा और बेटा का मस्ती चल रहा है और इनाया खुद के बालों में ही मतलब ऑयल लगाने में बिजी है। बच्चों को एक जगह बिठा के लगाना बहुत मुश्किल है। रोज़ वाटर डाल रही हूँ, कम हो रहा है फिर से डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। फिर भी डालना पड़ रहा है, देखिए कभी कभार हो जाता है। तो मैं यहाँ पर भूल गई थी, तो इसमें अभी ऐड करूँगी 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे ये दोनों कार्टून देख रहे थे, मैं चारों को अच्छे से मिक्स करके एक आयन को फेस पैक बना लेंगे, उसके बाद अपने क्लीन फेस पे अप्लाई कर लेंगे। वही है मेरा डेली रूटीन, कुछ ना कुछ फेस पैक बना के लगा लेती हूँ, कभी राइस का, कभी कॉफ़ी का, कभी मुल्तानी मिट्टी का। बैठ के ही ना मेरी जो घर में रहता है आयन मेरे पास है, तो उसको मतलब मम्मी सिर्फ मेरी है। अगर पापा के पास बैठ जाता है तो आयान, तो वहाँ पर भी वो जाके बैठ जाएगी। पापा सिर्फ मेरे हैं मतलब। और राइस तो वैसे भी हमारे फेस के लिए अच्छा है, और इस फेस पैक तो से आपके भी जितना भी ऐसे मतलब जितने भी फेस पे दाग धब्बे हैं चिकन पॉक्स के कारण या फिर पिंपल के कारण या फिर आपको टैन हो गए हैं, तो वो भी साथ में रिमूव हो जाएगा। अभी ना यहाँ पर कुछ खेल रही है, और इस फेस पैक को आप डेली अप्लाई कर सकते हैं। घूमने अगर आपके स्किन बहुत ड्राई है तो आप कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं। सुन रही है ये, मेरा स्किन तो कॉम्बिनेशन है। तो मैं यहाँ पे डिज़्नी चैनल पर मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ला रहे बच्चों का तो मैं हर रोज तो दिखाती हूँ मैंने क्या लगाया है, पनीर का मैंने उसमें क्या क्या ऐड किया है ये नहीं बताया। तो डिनर हो गया है आज बताया जाए का, तो अभी और इसको अप्लाई करने के बाद कम से कम आपको 10 मिनट रखना है और पूरा ड्राई होने में भी देना है, सेमी ड्राई भी होने लेना है, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लेंगे। इन दोनों का तो हो गया है, अभी ये लेते हैं 10:30। मैं अभी अपने हस्बैंड को भी थोड़ा लगा दूँगी। 10:30 कभी कभार लेट होता है, मीटिंग है तो 11 o'clock भी लगा लिया है। तो डिनर कर लेते हैं, इनको पसंद नहीं है लगाना पर मैं लगा लेती हूँ कभी कभार। डेली नहीं लगाते, कभी लगा लेते हैं, जल्दी खा लेते हैं। और ये दोनों 10 o'clock देखिए, बाकी दिन 10:30 होता है। मैं आ गई अभी, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ दोनों मिल सीखने के लिए।
तो रात के डिनर में हम लोग खा रहे रोटी चिकन विथ कैप्सिकम दाल आम का अचार और चिल्ली का पिकल चिल्ली का अचार। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बाय बाय।